की बड़ी खबर सामने आ रही है, नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की गई है। AIMIM ने नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की है। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कल ये बयान दिया था, जहां कल जगह जगह देश भर में जगह जगह हिंसा भड़की, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, नमाज के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन देखे गए। पैगंबर मोहम्मद पर किए गए टिप्पणी को लेकर जो इतना सारा बवाल हुआ है पिछले एक हफ्ते में और खासकर कल के दिन, उसके बाद AIMIM का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नुपुर शर्मा को फांसी की मांग की। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा को साफ तौर पर कहा है कि फांसी दो। आइए सुनते हैं इम्तियाज जलील क्या कहते हैं। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर इसका अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।